मैं सच बोल रही हूँ दादी, मैंने किया था अर्चन के साथ। मैंने ही अर्जुन के ड्रिंक में वो पिल मिलाई थी और फोटोज भी मैंने ही लिए थे। मैंने ही फोटोज लिए थे और उसको ब्लैकमेल किया, सब कुछ मैंने किया। प्लीज अब मॉम को मत मारिए, प्लीज। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी घटिया हरकत करते हुए? पहले हमें मारने की कोशिश करी, अब दिशा का प्यार छीनने की कोशिश कर रही है। अर्जुन, अर्जुन बेटा, अगर हम या दिशा अर्जुन को कुछ भी कहता है ना, तो वो कभी नहीं मानता। बताए क्यों? क्योंकि वो तुम्हें अपनी बहुत अच्छी दोस्त समझता है, इसलिए अर्जुन को हम अपने साथ ही ले आए। अब उसने तुम्हारे मुंह से सारी सच्चाई सुन ली है, अब तो यकीन करेगा। कितने अफसोस की बात है ना, जो लड़की उसके लिए दुनिया में सबसे अच्छी दोस्त है, उसी दोस्त ने उसको इतना बड़ा धोखा दिया। अर्जुन अंदर आओ। क्या हुआ? नहीं आया अर्जुन? नहीं है बाहर? अर्जुन कहाँ गया? कहाँ गया अर्जुन? कहाँ अर्जुन? मैं बताती हूँ कहाँ गया। ये जब कमरे में आई थी ना, मैं तो तभी समझ गई थी कि इसका कोई प्लान है। अर्जुन नहीं आएगा, पता है क्यों? क्योंकि मैंने उसे पहले से ही बाहर भेज दिया। मैसेज किया था मैंने उसे कि उसके डैड की तबीयत बहुत खराब है, वो मनीष भैया के घर पे इमरजेंसी है। तो बेचारे ने क्या किया, बिना किसी को बताए इमरजेंसी समझकर भागता हुआ चला गया। अब तक तो वो मनीष भैया के घर भी पहुंच गया होगा। तो प्राजिता, अब ये साड़ी, मेडिसिन का रैपर, तुम्हें जिसे दिखाना ना, शौक से दिखा। कोई तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करेगा। और रही बात अर्जुन की, तो उसे सच कभी नहीं पता चलेगा। सुनिया की एंगेजमेंट में तुम दोनों डांस करने की प्रैक्टिस शुरू कर दो, क्योंकि तुम जीत के इतने करीब पहुंच कर भी हार गई हो प्राचार्य। अब हमारे साथ साथ अम्मा को भी सारी सच्चाई पता है, और धीरे धीरे पूरे घर को पता चल जाएगी। हम अम्मा की कसम खाते हैं मोहिनी, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहेंगे। और हम क्या लाएंगे सच्चाई, देखना तुम ही अपने मुंह से अपनी गलती को बोलोगी, ये हमारा वादा है। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।